न्यायियों की पुस्तक अध्याय पांच। न्यायियों की पुस्तक अध्याय पांच। दबोरा का गीत। उस दिन दबोरा और अबिनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया कि इसराइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्यवाद कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। इसराइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इसराइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघलकर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और यायल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों से चलते थे, जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इसराइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे, नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी, क्या 40,000 इसराइलियों में भी ढाल व बर्छी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इसराइल के हाकिमों की ओर लगा है और जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भर्ती हुए। यहोवा को धन्य कहो, हे उजली गधियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो, पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण वहां वे यहोवा के धर्ममय कामों का, इसराइल के लिए उसके धर्ममय कामों का बखान करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए, जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुना, हे बाराक उठ, हे अबिनोअम के पुत्र अपने बंधुओं को बंधुआई में ले चल। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े, यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित उतर आया। एप्रेम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामिन, तेरे पीछे तेरे दलों में माकिर में से हाकिम और जबलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे, और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग हुए। जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था, उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालों के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े काम सोचे गए। गिलाद यर्दन पार कर गया और दान क्यों जहाजों में रह गया? आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। जबलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। राजा आकर लड़े, उस समय कनान के राजा मगीदो के सोतों के पास तानाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ न पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई की। किशोर नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोर नदी है। हेमन ही या बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों से टाप का शब्द होने लगा, उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से यह हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। सब स्त्रियों में से केनी हेवेर की स्त्री यायल धन्य ठहरेगी। डेरों में से
रहने वाली सब स्त्रियों में वह धन्य ठहरेगी। सिसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। रईसों की योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ खुंटी की ओर, अपना दहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सिसरा को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपटी को आरपार छेद दिया। स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा, वह पड़ा रहा। स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा, जहां झुका वही मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। सिसरा की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहियों को अबेर क्यों हुई है। उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया कि क्या उन्होंने लूट पाकर बाट नहीं ली, क्या एक एक पुरुष को एक एक बरन दो दो कुंवारियां और सिसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट, बरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट और लूटे हुओं के गले में दोनों और बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही।